तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से चैट जीपीटी के अंदर मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मिड जर्नी एक एआई टूल है, वो भी चैट जीपीटी की तरह। बस उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि मिड जर्नी के अंदर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तो जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे वो उस प्रॉम्प्ट को लेने के बाद आपको एक एआई एक इमेज क्रिएट करके देगा, वो जो भी आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे मिड जर्नी को। तो अभी होता ये है कि प्रॉम्प्ट्स बेसिकली काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब उसमें आपके प्रॉम्प्ट्स 3 लाइन के होंगे, 4 लाइन के होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद आपको ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता है कि आप किस तरीके से कौन सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिसके बाद आपको वो सूटेबल इमेज जो आप चाह रहे हैं वो आपको जनरेट करके दे। तो AIPRM एक प्लगइन है, सॉरी एक एक्सटेंशन है क्रोम का। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया है कि आप इसे ज़रूर इंस्टॉल करें चैट जीपीटी के अंदर। तो आप गूगल में आके AIPRM लिखें और उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है AIPRM फॉर चैट जीपीटी, उसे क्लिक करके आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। उसके बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब मैंने इसमें किया ये था कि मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे इसके आपको नज़र आ रहा होगा कि मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी इसके अंदर प्री इंस्टॉल होता है, मतलब बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं मिड जर्नी के अंदर और उसके बाद आप अपनी AI इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस बनाई थी, वो मैं आपको पहले दिखा दूं कि एक मैंने विराट कोहली, ऑब्वियसली सबको पता है कि कितने फेमस क्रिकेटर हैं, उनकी एक इमेज जनरेट की थी उसी तरीके से। फिर एक ये इमेज, अब ये थोड़े सा आपको फेस में फेशियल थोड़े इसके डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे विराट कोहली और इस AI इमेज के अंदर। तो ये होता है समटाइम्स, जब आपको इमेज मिलती है तो हो सकता है कि आपको सही नहीं मिले, तो आप उसे रीजनरेट कर सकते हैं वापस, तो उसके बाद दूसरी इमेज आ जाती है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से मैंने एक टायरानोसॉरस की थी, टीरेक्स की, वो ये 4 मेरे पास वेरिएंट्स आए थे। तो मैंने किया सीधा सा ये था कि मैं यहाँ गया मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर में और मैंने यहाँ जाके सिर्फ लिखा था डायनासोर। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये पूरी प्रॉम्प्ट है, ये आपको लिखनी नहीं है, ये आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन के अंदर ये कितने सारे कितने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स हैं। तो इसमें जिस तरह ये लिखा है कि यू विल नाउ एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट जनरेटर फॉर अ जनरेटिव AI कॉल्ड मिड जर्नी। मिड जर्नी AI जनरेट्स इमेजेस बेस्ड ऑन गिवन प्रॉम्प्ट्स। आई विल प्रोवाइड अ कॉन्सेप्ट एंड यू विल प्रोवाइड द प्रॉम्प्ट फॉर मिड जर्नी AI। यू विल नेवर ऑल्टर द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग आउटलाइन बिलो इन एनी वे एंड ओबे द फॉलोइंग गाइडलाइंस। You will not write the words description or use a semicolon in any form. Never place a comma between AR and V. अच्छा, तो ये तो काफ़ी लंबी प्रॉम्प्ट है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ लिखा ये था, मैंने यहाँ लिखा था डायनासोर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था डायनासोर। तो कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये प्रॉम्प्ट्स आ गए थे जो मैंने डायनासोर पे लिखा था, मैं आपको भी करके दिखा भी दूंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट बनाया टायरानोसॉरस रेक्स का, उसके अंदर इसमें प्रॉम्प्ट आया कि टायरानोसॉरस रेक्स विद अ मस्कुलर इंटिमिडेटिंग स्टैंस रोडिंग विद इट्स शार्प टीथ बैड इन अ डेंस जंगल फिल्ड विद टॉल ट्रीज एंड वाइन्स ड्यूरिंग अ ब्राइट एंड सनी डे इलस्ट्रेटेड इन अ डायनामिक एंड एक्शन पैक्ड कॉमिक बुक स्टाइल यूजिंग बोल्ड लाइन्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से उठा के इसे यहाँ से मैंने किया कॉपी, मैं गया डिस्कॉर्ड में, मतलब पहले आपको मिड जर्नी पे साइन अप करना होगा, उसके बाद आपके पास डिस्कॉर्ड खुल जाएगा। अच्छा, डिस्कॉर्ड खुलने के बाद आपके पास मिड जर्नी का ये डिस्कॉर्ड ग्रुप खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी इतने सारे यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स वगैरह आते हैं, तो ये एक आप समझ लें कि एक तरीके से पब्लिकली अवेलेबल है ये। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप मिड जर्नी यहाँ पे जो है बॉट, इसे आप क्लिक करें और ऐड टू सर्वर कर दें, ठीक है। अगर तो आपने सर्वर पहले से बनाया है तो आप उसके अंदर इसे आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्वर बनाया हुआ था, आई एम शेरी सर्वर कंटिन्यू, और यहाँ पे मैंने ऑथराइज़ कर दिया ऐसे मिड जर्नी को। अब इससे हुआ ये है कि यहाँ पे ये मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, अब डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर ये सिर्फ मिड जर्नी बॉट है, तो अब ये सर्वर किसी को नज़र नहीं आएगा सामने, जिस तरह जो दूसरा इनका मिड जर्नी का पब्लिक सर्वर है तो वहाँ पर आपको सब नज़र आता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि आपकी जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने ही नज़र आएगी, वो किसी को नज़र नहीं आएगी डिस्कॉर्ड में, मतलब इस तरीके से पब्लिकली जिस तरह सर्वर होता है उसके अंदर नज़र नहीं आएगी। तो मैंने किया ये कि मैं गया यहाँ पे, ये रही वो प्रॉम्प्ट जो यहाँ से मुझे मिली थी, ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ, आपने करना होता है इमेजिन, इसे आप फिर कर लेंगे सेलेक्ट, और जो भी प्रॉम्प्ट था जिस तरह ये प्रॉम्प्ट था, तो इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करने के बाद जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये टायरानोसॉरस रेक्स विद अ मस्कुलर इंटिमिडेटिंग स्टैंस जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था,
उसके बाद मुझे ये आप देख रहे हैं कि कॉमिक स्टाइल में जिस तरह लिखा हुआ अभी था इसके अंदर कॉमिक बुक स्टाइल, तो उसी तरीके से बिल्कुल जनरेट हुआ ये, और ये इस तरीके से जनरेट हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसे मतलब अपस्केल कर सकता हूँ, अपस्केल करने के बाद मैंने ये वाला अपस्केल किया था, और आप इसके बाद इसके वेरिएशंस और भी अगर आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके। उसके बाद मैं गया ChatGPT में और मैंने क्रिकेटर लिखा, तो क्रिकेटर के तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आए मेरे पास। उसके बाद मैं गया, मैंने लिखा विराट कोहली, विराट कोहली के बाद लिखने के बाद मेरे पास ये सारे काफ़ी प्रॉम्प्ट्स आ गए। तो मैंने फिर करा ये कि मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ से उठाया और मैंने लिखा इस प्रॉम्प्ट के अंदर जाके, विराट कोहली द फेमस इंडियन क्रिकेटर विद अ फियर्स एंड डिटरमिंड एक्सप्रेशन अबाउट टू फेस अ डिलीवरी इन अ पैक्ड एंड इंटेंस क्रिकेट स्टेडियम ड्यूरिंग अ हाई स्टेक्स मैच कैप्चर्ड इन अ फोटो जर्नलिस्टिक एंड स्पोर्ट्स फोकस फोटोग्राफिक स्टाइल यूजिंग अ 24x70mm स्टैंडर्ड लेंस ऑन अ कैनन EOS R5 विद फास्ट शटर स्पीड एंड कंटिन्यूस ऑटो फोकस। तो ये इमेजेस जनरेट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये शुरू की तो दो इमेजेस ऑब्वियसली बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप थर्ड इमेज या फोर्थ इमेज, ये भी इतनी नहीं, लेकिन जो थर्ड इमेज थी वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी जो ये वाली है, तो ये भी जनरेट हुई इसके अंदर। तो आप इसे बहुत सारे आप जो प्रॉम्प्ट्स करना चाहें आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। करना आपने सीधा ये है कि आप आएँ न्यू चैट पे, AIPRM ज़रूर इसे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद। मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, अब जैसे मैंने लिख दिया मुझे अब किसकी चाहिए, मैंने फर्जी तौर पे मैंने लिखा पोलर बेयर। अब यहाँ पे ये सारे मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो रहे हैं। अब इसे कॉन्सेप्ट मिला है, कॉन्सेप्ट मजेस्टिक पोलर बेयर इन द आर्कटिक टंड्रा। ठीक है, अब ये तीन जो प्रॉम्प्ट्स या तीन चार प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा। आप चाहें तो उसके बाद आप और भी अलग जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रॉम्प्ट आया, मजेस्टिक पोलर बेयर विद वाइट फर एंड ब्लू आइस स्टैंडिंग ऑन अ लार्ज आइस फ्लो इन द आर्कटिक टंड्रा सराउंडेड बाय स्नो एंड आइस एज फार एज द आई कैन सी with a sense of stillness and peacefulness as a fine art painting oil on canvas with a detailed description of the materials and working method used. यहाँ से मैं उठाऊँगा, इसे करूँगा यहाँ से कॉपी। मैं गया डिस्कॉर्ड में मेरे ग्रुप के अंदर, मैंने लिखा imagine, यहाँ फिर मैंने क्लिक कर दिया प्रॉम्प्ट में, मैंने आके इसे यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ से मिड जर्नी अपना काम स्टार्ट कर देगा, ये चार इमेजेस जनरेट करके देगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं उन इमेजेस को अपस्केल कर सकता हूँ, या मैं अगर मुझे उसके कोई डिफरेंट वेरिएशंस भी चाहिए तो मैं वो भी इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। आप जिस तरीके से जो भी प्रॉम्प्ट इसे देना चाहें आप ChatGPT के अंदर आके यहाँ से जो भी आप प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो उसी के मुताबिक आपको मिड जर्नी AI इमेज जनरेट करके देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 31% हो गई है, 100% पे फिर आपको कम्प्लीटली इसका फाइनल रिजल्ट नज़र आ जाएगा कि ये इमेज किस तरीके से होगी। तो इन इमेजेस को आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अच्छा, अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए करना होगा तो मिड जर्नी का एक सब्सक्रिप्शन प्लान आता है, आपने उसे वो परचेस करना है। अगर आप जैसे फाइवर पर अपनी फ्रीलांस सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि फाइवर के अंदर भी इन लोगों ने एक AI सर्विसेज का नया कॉलम बनाया है, मतलब कैटेगरी बनाई है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये मिड जर्नी आर्टिस्ट। आप चाहें तो वहाँ से इमेजेस उठा के अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं, और या तो आप अपनी खुद की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मिड जर्नी की। आप जो भी AI इमेजेस जनरेट करते हैं मिड जर्नी के अंदर ChatGPT के प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, उसमें सिर्फ आपको करना ये है कि आपको मिड जर्नी का सब्सक्रिप्शन प्लान ज़रूर लेना होगा, क्योंकि अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं तो उसके लिए आपको पेड प्लान पर जाना ज़रूरी है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये मेरी चार इमेजेस जनरेट हो गई हैं। अब अगर मैं इसे चाहूँ कि मैं इसके अलग अलग वेरिएशन भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, तो या अपस्केल करना चाहूँ मैं अपस्केल कर सकता हूँ, या अगर मुझे इसके नए मुझे ये समझ नहीं आ रही तो मैंने रिफ़्रेश का जो जिस तरीके से बटन है, मतलब बेसिकली इसका रिफ़्रेश का मतलब ये है कि आप अलग अलग इसके अंदर और भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, तो ये आपको करके देगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर आप भी अपनी खुद की AI इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर आपको अपने फाइवर पर भी अपनी सर्विसेज अगर सेल करनी है तो बेस्ट आपके पास ऑप्शन अभी फ़िलहाल ये है कि आप AIPRM क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें ChatGPT के अंदर, और उसके बाद सिंपली आप इंस्टॉल करने के बाद मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर पर क्लिक करें, और जो भी आपको कीवर्ड देना है, जिस चीज़ की भी आपको इमेज बनानी है, मिसाल के तौर पर बेसबॉल बैट या आपको जो भी बनाना है, तो आप इजीली इस पे आके कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे अप टू डेट रह सकें।
और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।